काश अगर बिहार में कंपनियों की भरमार होती, लोग इतने बेरोजगार नहीं होते, लोगों का निगाह जो है जमीनों पर नहीं होता। लगातार जमीनी विवाद, समझ सकते हैं कि क्यों हो रही है सिर्फ और सिर्फ बिहार में इतनी संख्या में और इतने ज़्यादा जगहों पर जमीनी विवाद उत्पन्न होता जा रहा है। खासकर बिहार के दरभंगा जिला में इस वक्त मौजूद हैं और जिस ट्रेजर में लोग किलो के किलो मिठाई लेकर पहुंचते हैं, जमीन रजिस्टर होने के बाद लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। यहां तक कि आपको बता दें, पदाधिकारियों तक को की भी खुशी से वो मिठाई खिलाते थे, लेकिन आज यहां पर झगड़ा झंझट का माहौल दरभंगा के ट्रेजरी में बन गया। आपको बता दें कि जमीनी विवाद का ये सिलसिला ट्रेजरी तक पहुँच गया और वहाँ धक्का मुक्की और गाली गलौज तक ये सिलसिला पहुँच गया। बहुत बड़ी बात यह है कि आसपास के लोगों ने आकर बीच बचाव किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दी कि ऐसे जमीनी विवाद जो कि पुलिस प्रशासन भी नहीं रोक पा रहे हैं, अंचलाधिकारी किसी भी प्रखंड के हों, उनके हाथ में होता है कि जिस किसी भी का भी अगर जमीन है तो उसे कैसे निपटारा किया जाए, कैसे जमीनी विवाद का निपटारा किया जाए। लेकिन लगातार जमीनी विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल या निशान प्रखंड के अंचलाधिकारी के ऊपर उठता ही है। विशेष खबरें देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आने वाले दिनों में अगर बड़ी बड़ी जाँच की जाए जमीनी विवादों की, तो कहीं ना कहीं पदाधिकारी फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बिहार के दरभंगा जिला में जहां पर ट्रेजरी में भारी हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक कुशेश्वर स्थान के जमीन का मामला है बताया जा रहा है, वो आपको इंटरव्यू में सुनाते हैं। आगे का विशेष कवरेज देखिए। के साथ और दो पक्ष भी और भी हैं, काफी हंगामा हुआ है यहाँ। असाली गलत किस बात को, किस बात के लिए बहस हुई है ये बताइए। जमीन संबंधी इनको हम की तो कहे जब हमको जमीन आप रजिस्ट्री करवा लीजिए, हम केस मुकदमा नहीं लड़ेंगे। उसके बाद ये कहे कि हमको अभी नहीं फुर्सत है, हम व्यवस्था करते हैं। हमको एगो जिसके यहाँ 10 लाख रुपया था वो बराबर तकेदा करता था, हाँ इसके लिए हम कहे ठीक है, हम आपको जमीन रजिस्ट्री करके देंगे पैसा। अच्छा, ये क्या इस तरह का केस मुकदमा की बात कर रहे हैं आप? उस जमीन में क्या लफड़ा था? 144 मैंने उसमें पहले था सिलिंग एरिया से। किसके साथ हुआ था? 144 उनके साथ हुआ था। के साथ कॉम्प्रोमाइज लग रहा है। अच्छा, वही 144 के 107। अच्छा, इनसे कितना रुपया लिए थे एग्रीमेंट का? 1,01,000 रुपया। तो वो कोई लिमिट था उस पर, कोई डेट टाइम इतने दिन के अंदर वो एग्रीमेंट फेल हो जाएगा? हम उनको कहे थे आप रजिस्ट्री करवा लीजिए, बोले 44 खत्म होगा तब कराएंगे। अच्छा, उनको पता था कि जमीन पे 44 है? हाँ पता नहीं है, सब पता है, आप साथ उनका भी नाम है। अच्छा, 144 होने के बावजूद आप जमीन बेच रहे हैं, ये भी गैर कानूनी है आपको पता? 144 के साथ 144 महीने के बाद भी जमीन बिक सकता है, ये आपको पता है? ये आप श्योर कह रहे हैं? ठीक है, अभी आप रजिस्ट्री जो कर रहे हैं उनका पैसा क्या वापस कीजिएगा आज? करेंगे। तो आज जब रजिस्ट्री करने आए तो क्या उनको सूचना दिए कि हम जा रहे हैं रजिस्ट्री करने? उनको पहले सूचना दी। कितने दिन पहले सर? 15 दिन पहले दिए। कैसे? टेलीफोन से? लिखित? फोन से दिए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? आपकी जमीन कहाँ पे है? अब्दुल्लापुर। क्या है?